पंजाब की सूबाई नशिस्त PP4 से जो कैंडिडेट थे उनके साथ ज्यादा सर मौजूद हैं। ये भी यहाँ पे फॉर्म 45 उठाए, सरापा एहतजाज है। मजीद इनसे जानते हैं कि PP4 में क्या हुआ, इनके वालिद साहब किस जमात से हैं, मद मुकाबल कौन सी पार्टी थी और क्या हुआ, अहवाल इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर देयर टाइम। मेरे वाले साहब मलिक अमानत खान रावल PP4 से, हम लोग सुबह 7 बजे तक भी ये बेचारे कोशिश करते रहे, उसके बावजूद हम 4-4.5 हजार की लीड से जीत रहे थे। फिर इन्होंने लास्ट 24 रिजल्ट्स को रोक दिया, फिर उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जिसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी यहाँ पे शो कर देता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास सारे एविडेंसेज अवेलेबल हैं। एक जगह पे शेर अली साहब जो नूल के कैंडिडेट हैं उनकी वोट है 467, तो उसको 1167 में कन्वर्ट किया गया है, तो 4 को 1 करके 67 किया गया है। और एक और जगह पर नूली के कैंडिडेट की वोट निकली है 150 अकॉर्डिंग टू द फॉर्म 45, उसको 1 को 9 करके 950 कर दिया गया, जैसे 800 वोट उनके ऐड किए गए। इस तरह से 800-700 इस तरह से वोट्स ऐड करके उनको तकरीबन एट द लास्ट बहुत मुश्किल से 2-2.5 हजार की लीड बना के फॉर्म 48 से जीता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि 0 या 1 लगाने से रिजल्ट बदलने से भी इतनी थोड़ी सी लीड से। जी हाँ, क्योंकि हमारी लीड उनसे काफी ज्यादा थी। मेरे बाबा पाकिस्तान तरीके लद्दाख की तरफ से लड़ रहे थे और उन्होंने हमें 100% कंफर्म था कि इलेक्शन हम जीत रहे हैं। वो लोग रात को, बल्कि शाम 6 बजे के बाद आरओ के ऑफिस तक वो नहीं आए, जो उनको कम्युनिकेट किया गया था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप लोग अपना जश्न मनाएं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वो नेक्स्ट डे तकरीबन 11 बजे आरओ ऑफिस आते हैं, तैयार हुए और सबको मुबारकें दे रहे हैं, और हम लोग सारी रात वहां पे ठंड में रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए गेट पे खड़े रहे। पहले हमें इंटर नहीं होने दिया गया, फिर जब इंटर होने दिया गया तो हमें एक साइड पे डिटेन किया गया, जिस तरफ रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं वहां पे अलग ही ट्रांसपेरेंसी से रिजल्ट्स कंपाइल करने चाहिए थे। तो जब उन्होंने देखा ये जीत रहे हैं तो लास्ट 24 पोलिंग स्टेशन पे हमारे पास एविडेंसेस हैं, चाहे जहां पे वो चाहे बैठ सकते हैं, उस गाँव में बैठ सकते हैं, उस पोलिंग स्टेशन पे बैठ सकते हैं हमारे साथ, वो जीते हुए किसी जगह से भी जीत नहीं सकते हैं वो। पर ये है कि अब वो आरओ के ऑफिस में अब 150 को 950 करके 800 इधर एक पे, इस तरह से 226 पोलिंग स्टेशन है, तो 24 के तो हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं। तो वो हमने पिटीशन भी फाइल कर दी इलेक्शन कमीशन में, एंड वी वुड लव टू गो टू हाई कोर्ट एंड एवरीवेयर एंड टेल के यार दिस इज नॉट व्हाट इट इज। पर इखलाकी जरूरत भी होनी चाहिए कि यार अगर आप नून लीग से नहीं जीते हैं तो आप अपनी हार तस्लीम करें। जी मैंडेटेड ऐसे चोरी किया। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के कैंडिडेट थे, उनके साहबजादा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थे, एविडेंस इन्होंने दिखाया और ये भी बताया कि किस तरह से 0 को बदलने से, 1 0 ऐड करने से या 1 को 9 बनाने से उनके वोट पर डाका डाला गया, और फिर भी ये कह रहे हैं कि बमुश्किल 2000 से 3000 के दरमियान लीड से वो जीते हैं। जी